इज वेरी रेयर। इंडियन आइडल की हिस्ट्री में काफ़ी रेयर थे। आप स्टार्टिंग से, मैं स्टार्टिंग से जर्नी बात करूँ और एंड तक, आपने वही एक ट्रेंड, कोई ऐसा बच्चा आपको अब तक मिला है जो वो कर सके जो आपने किया था? मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, वो सभी कर सकते हैं, बट ये हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो वो कर सकते हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। आप टीम पर खुद देखेंगे कि कितने बच्चों के आदमी इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो बजा के गा रहे हैं और बहुत कमाल है। ओके, सो ये सवाल मैं सबसे, तो किस तरह से ये देखते हो एज अ कंटेस्टेंट आए हैं, नाउ यू गाइस आर कैप्टन, सो हाउ डू यू सी द लाइफ चेंजिंग? सर, पूरी की पूरी लाइफ जो है वो हमारी चेंज हो गई है। क्या ही बताएं कि जहाँ भी जब लोग हम जाते हैं, इतना प्यार मिल रहा है हम लोगों को। अब इवन सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, हम लोग अब्रॉड गए थे, अभी बाहर गए थे, वहाँ पर भी अभी US टूर किया हमने, उससे पहले लंदन किया, फिर कनाडा गए। लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था, हमारी सोच से 100 गुना प्यार हमें लोगों को मिल रहा है। तो ये पूरी एक लाइफ जो है वो एकदम चेंज हो गई है, एंड हम लोग को कहाँ से कहाँ बिठा के रख दिया लोगों ने, बस उसके लिए धन्यवाद कि लोग हमें इस लायक समझते हैं, कि बस इतना प्यार देते हैं सब लोग कि मैं उनको जितना धन्यवाद बोलूँगा वो सब कम है उनके लिए। कोई ऐसा स्पेशल टैलेंट आपने फाइंड किया है जो आने वाले समय में इंडस्ट्री में मतलब अलग ही मुकाम पर हो? मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमारे सीजन के जितने बच्चे हैं वो सभी कमाल के बच्चे हैं, सब लोग बहुत कमाल करने वाले हैं, इंडस्ट्री में छाने वाले हैं, बल्कि राज करने वाले हैं जितने बच्चे इसके अंदर आए हैं। इवन 3-4 बच्चे तो ऐसे हैं कि मैं उनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। मतलब मैंने तो अपनी उम्र में इतना अच्छा किसी को गाते हुए नहीं देखा जिस उम्र में वो बच्चे गा रहे हैं, जैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा मैंने अभी तक, सीरियसली कह रहा हूँ, मैं ये वो नहीं कर रहा हूँ कि सीरियसली, मैंने अभी तक अपनी पूरी उम्र में ऐसे सुना ही नहीं है बच्चे, मतलब वो जैसा गा रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार ये कुछ अलग ही हो रहा है, इतना टैलेंट जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है बच्चों के अंदर। ये बस करण ऊपर वाले का जरिए आशीर्वाद है सब उन बच्चों पे कि वो इतनी सी एज में, जहाँ हम लोग शरारत करते थे, मैं तो, मेरे को तो डांट लगती थी कि रियाज कर पापा जी मारते थे, मेरे को पता ही नहीं था ये क्या चीज़ होती है, उस एज के अंदर वो ऐसा गा रहे हैं कि मतलब फट्टे चक रहे हैं, कमाल ही है। बस ये करम है ऊपर वाले का सब पे। मैम, आपसे जानना चाहूँगा बाकी कैप्टन से कोई अलग स्ट्रेटजी नहीं, जैसे पवन दा ने बोला स्ट्रेटजी कुछ है नहीं, बस इतना है कि हमें जितना जितना भी आता है उसमें से हम लोग थोड़ा बहुत भी उन बच्चों को बता पाए तो ये हमारा हमारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हम सभी लोग ना बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हर एक जन ना एक दूसरे की हमेशा हेल्प करने में ही लगा होता है। और जो स्टेज पर वाइब्स आती है जब भी कोई परफॉर्म करने जाता है, जैसे परफॉर्मेंस के पहले ना सभी लोग एक दूसरे के लिए हमेशा चेयर करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल बात मुझे हमेशा लगती है। या फिर किसी का भी कोरस हो किसी के गाने में तो सब लोग एकदम उत्साह से खुद से करने जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है सेट पे। तो इसे स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, बस इतना है कि एकदम सच्चे ईमानदारी से जो भी हमें काम मिल रहा है, जो भी हमें गाना गाने का मौका मिल रहा है, वो गाना एकदम ईमानदारी से बस गाना। सलमान जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्लासिकल सिंगर्स कितने स्पेशल फाइंड हुए हैं अब तक? देखिए, जो अभी जो हमारे हमारे पास जो टैलेंट आया है, सबसे अच्छी बात ये है कि जो क्लासिकल तो गाती है लेकिन वो हर एक जॉनर का गाना गा रहा है, और आज के दौर पर ये होना भी चाहिए क्योंकि क्लासिकल से ही काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि जब मैं भी इंडियन आइडल आया था तो मैंने सोचा था कि चलो क्लासिकल गाऊँगा या सिर्फ सूफी ही गाऊँगा, ये सोचा था मैंने भी, इसी से मेरा काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमें आगे चलकर और भी जुनर गाने होते हैं, है ना, तो अभी हम जो अभी टैलेंट आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं, उनसे आप कोई भी गाना बोल दो वो वही गाना उसी जुनर में ऐसा गा देंगे कि ऐसा लगेगा अरे यार ये तो रोमांटिक के लिए बना है, अरे यार ये तो सूफी के लिए बना है, है ना। तो जैसे एक लड़का आया था, क्या नाम था उसका जो गिटार पर गया था, पियानो पर गया था उसने, फैज। अब वो आया तो उसने गिटार लेके गा रहा है, फिर वो पियानो बजा कर गा रहा है, तो मतलब इससे ये पता लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बजा सकते हैं या कुछ भी गा सकते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हर जॉनर के बच्चे। और नहीं, सलमान भाई आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उस दिन उससे मिली तो वो खुद का गाना भी मुझे सुना रहा था, बताओ कि मैंने ये गाना कंपोज किया हुआ है, तो इतने अभी से ही
वो लोग टैलेंटेड हैं, मतलब अभी एज तो उनकी कुछ भी नहीं है, बच्चे ही तो हैं वो, फिर भी सोच उनकी देखो बुजुर्गों वाली सोच है। तो इससे ये पता लगता है कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको तराशना बाकी है, तराशना और तलाशना बाकी है। तो बस हम लोगों ने वही किया था, हमने बस तलाशा था, हमने ढूंढा है और हमने बहुत ही मेहनत से ढूंढे हैं सारे बच्चों को, है ना, और आंधी तूफानों से लड़कर ढूंढे हैं हमने कंटेस्टेंट। बट हम खुशी इस बात की, हमें खुशी इस बात की है कि हमें उस उसका फल मिल गया। सर अभी ये कैप्टन जो टाइटल है ये नया है, मतलब मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, ये सब जो भी हो रहा है मतलब एज अ कैप्टन होके बात करना ये भी नया है, एज अ कैप्टन कभी बात पहले किया ही नहीं है, तो ये सब नया हो रहा है। तो अभी बस सीख रहे हैं कैसे क्या करना होता है, कैसे बच्चों को मतलब ट्रेन करना होता है, तो अभी मैं भी इन सब से सीख रही हूँ। और आप सबको पता है कि सलमान दा फर्स्ट सीजन में थे, तो उनसे भी पूछ रहे हैं कैसा सब मतलब कैसे सब मैनेज किया जाता है, कैसे कैप्टन का रोल और क्या क्या होता है, क्या क्या करना होता है, तो बस ऐसे ही सीख रही हूँ और कोशिश करूँगी पूरी तरीके से। सर डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं होती, हम हमेशा एक दूसरे को मतलब कुछ किसी को लगा ना खामियां तो वो तुरंत बता देते हमें आके कि ये ऐसा होगा वो वैसा होगा, तो वैसे डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं होती, अपने आप हो जाता है। और पवन जी आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की कैप्टनशी आपके टीम से देखनी है? कैप्टनशी यही कहूँगा कि जो भी बच्चे हैं वो सब कमाल का गाएं और उनको उनके हिंदी बहुत अच्छे से आए और उनके सुर बहुत अच्छे से लगे और उनका हर गाने का तरीका अलग है, क्योंकि किसी को कभी क्लासिकल गाना मिलेगा, कभी सूफी गाना है और कभी फास्ट गाना है, तो हर गाना गाने में वो माहिर होना चाहिए बच्चा, और वो सब चीज़ें कोशिश करेंगे कि हम उनको सिखा पाएँ। सलमान खान ने जैसा कहा कि वर्स स्टाइल होना चाहिए, तो सारे बच्चे मेरे को लगता है इस बार वर्स स्टाइल भयंकर आए हैं, बहुत ज़्यादा कमाल के बच्चे आए हैं, और यकीन नहीं था कि इतने ज़बरदस्त बच्चे आएंगे। लास्टली क्या कुछ कहना चाहोगे पेरेंट्स को इस जो शो देखने वाले? यही कहेंगे कि थैंक यू सो मच, आपका इतना ज़्यादा प्यार है, हम सभी की ओर से आप सुपरस्टार सिंगर देखिए 23 अप्रैल को सैटरडे संडे रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ सोनी पर। थैंक यू। एक गीत गाना? हाँ बिल्कुल, वो तो हमें पता ही है, वो तो होना ही है। हमारे बीच में म्यूजिक डायरेक्टर बैठे वही डिसाइड करते हैं कि मैं क्या और ये गाना हमारे पवन भाई ने कंपोज किया है, जिसको मैंने गाया था, बहुत ही सुंदर गाना कंपोज किया है मेरे भाई ने और मुझे गाने का मौका दिया, बहुत अच्छा लगा, कमाल। तू ही दीन है ईमान है मेरा, तू ही दीन है ईमान है मेरा, रब्बा मैनू माफ करी, तेरा प्यार है ओ तेरा प्यार है, तेरा प्यार है जहान है मेरा, रब्बा मैनू माफ करी, तू ही दीन है। वाह भाई साहब, लाइन लग गया।